वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सबसे पहले हम सपोर्ट को समझते हैं। सपोर्ट जो है ये वो पॉइंट होता है जिसमें मार्केट में शेयर की प्राइसेस या मार्केट में जो बायर से ठीक है वो गिरना बंद हो जाए, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। लेट्स सी कि हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा है, ठीक है, हमारा एक लाइन हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक प्राइस है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ पे आके ये एक पॉइंट पकड़ लेता है, वहां से फिर जो है अब चला जाता है, फिर अब जाके फिर नीचे आ जाता है, सेम वही पॉइंट के अराउंड जो है ये आके दोबारा अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर लेता है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। अगर हम इसमें देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आके इसने फिर इसके बिल्कुल बराबर में आके इसने अपना जो प्राइस गिर रहा था वो फिर से अप गया है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सिमिलरली अगर आपके पास एक आप लाइन खींचे अपने लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा, तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें वो पॉइंट जहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर जाना बंद हो जाए, ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट के ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल यहाँ तक प्राइस गया था बट यहाँ पे जब इसको टच किया तो ये बैक हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर जब ऊपर जाके इसको टच किया तो ये फिर बैक हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे पास हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस वन और रेजिस्टेंस टू, ये सपोर्ट वन एंड सपोर्ट टू ये हो गए, तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम ट्रेंड में ट्रेंड की बात करें तो वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक ही जगह यहाँ पे सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आ सकता है। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो एक ही पॉइंट पे आके, ठीक है, आसपास आके फिर दोबारा अपना ट्रेंड चेंज किया है, और सिमिलरली यहाँ पे आप इसको अपना सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। अगर हम इसको अपना साइड वे ट्रेंड में ले लें तो ये हमारे पास इस तरह हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें अप वर्ड ट्रेंड की बात करें तो वहां पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मैं आप लोगों को बकायदा चार्ट में भी लेके जा रही हूँ, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अप वर्ड ट्रेंड में अगर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो अभी आप इस तरह देख सकते हैं कि ये हमारे मैंने अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे एक लाइन लगाया है। तो क्या होगा, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे आके इसने अपना एक सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पे जाके अपना रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पे आके अपना सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पे आके अपना रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे आके अपना सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, इसी तरह क्या होता है, फिर यहाँ पे आके इसने अपना रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऊपर से ये रेजिस्टेंस वन टू, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट वन टू थ्री, तो ये हमारा हो गया अपवर्ड ट्रेंड में। अब इसके बेस पे हम ट्रेड किस तरह लेते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, फिर इसके बेस पे हम ट्रेड भी ले सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही काम को आसान कर देता है जब भी हम ट्रेड लेते हैं या जब भी हम देखते हैं, तो ये हमारे लिए काम को बहुत आसान बना देता है। तो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए एक इस तरह का हमने एक वो तैयार किया है कि एक रेक्टेंगल हमने ले लिया है जहाँ पे हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने। तो क्या होता था, एक ट्रेंड जो है वो अपवर्ड जा रहा था, तो यहाँ पे जाके इसने क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस पकड़ा और नीचे आके ये एक जगह पे आ गया और वहां से इसने दोबारा उठना शुरू किया, फिर एक लेवल जाके इन लेवल में जो पहले उसने अपना रेजिस्टेंस पकड़ा था वहां पे जाके ये फिर से गिरना शुरू हो गया। जब गिर गया तो एक नीचे एक पॉइंट में आके वहां पे ये गिरना बंद हो गया, फिर अप गया है, फिर अप जाने के बाद एक पॉइंट में जाके ये दोबारा प्राइस इसी तरह इस एक ही जो आपके रेक्टेंगल है इसके अंदर ये मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों को समझ
ओके, तो अभी हम आए हैं अपने चार्ट में, तो यहाँ पे हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे टूट लेंगे। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, आप लोगों ने 15 मिनट के चार्ट में भी देखने हैं, 5 मिनट के चार्ट में भी, 1 मिनट के चार्ट में भी, ठीक है। ये सारे चार्ट को आपस में हम किस तरह कंपेयर करते हैं, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे अपना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो अभी हम कहीं पे भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देख लेंगे, या अपवर्ड ट्रेंड या साइडवे ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक साइडवे ट्रेंड आ गया, तो यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से आप अपना रेक्टेंगल उठाएंगे, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका आ जाता है इसी तरह का एक रेक्टेंगल जो है वो हमने ले लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्राइस शुरू हुआ है, ये एक पॉइंट में जाके इसको रिट्रेस करने की कोशिश की है, फिर नीचे आया है, एक पॉइंट को फिर से इसने रिट्रेस करने की कोशिश की है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आके इसी तरह यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे पकड़ लिया है। हम मजीद आके जाएंगे और यहाँ पे जाके हम देखेंगे क्या हमारे पास कोई दूसरी जगह जो है वो इसकी और परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सपोर्ट एंड दो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन गई है। फर्स्ट जो है ये आपका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है, फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर गया है, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है एंड ये आपका सेकंड सपोर्ट है। अब इसके बाद इसने जो ब्रेकआउट मारा है अपवर्ड, ठीक है, तो इसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये ब्रेकआउट जो है ये हमारे पास जेन्युइन है। कभी कभी फेकआउट भी आ जाते हैं, फेकआउट भी मार्केट में चलते हैं, तो हम इसको जब देखेंगे आगे तो हमें पता चल जाएगा क्या ये जेन्युइन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना एक वॉल्यूम है वो ओपन करेंगे, फिर इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जो ब्रेकआउट दिया है वो फेक है या जेन्युइन है। तो हम इसी तरह आगे चले जाएंगे और हम देखेंगे कि हम कहीं से अपना जो डाउनवर्ड ट्रेंड है या अपवर्ड ट्रेंड है इसमें इसी तरह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को देख ले। तो अगर यहाँ पे ये लाइन, इस लाइन की मदद से अगर मैं ले लूँ तो ये आपका देखिए यहाँ पे सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है, ठीक है, और सेकेंडली मैंने रेजिस्टेंस मैंने दिया, आप यहाँ पे मैं सपोर्ट ले लूँगी दोबारा से, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ये सारे टूल आप यूज़ कर सकते हैं, रे लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ व्हाइट कलर के, तो ये थोड़ा सा देखने में इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो है वो दोनों यहाँ पे आ गए हैं। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड लगा सकते हैं, ये इसके भी अपना स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें साइडवे ट्रेंड का दोबारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड का भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ गया है, दो जगह रेजिस्टेंस, ठीक है, एक दो रेजिस्टेंस हो गए, फिर इसके बाद इसका सेकेंड जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे आया है। देखिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ गया है। इसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रेंड जो है अगर इसको ब्रेक किया तो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपना शॉर्ट ले सकते हैं, हम यहाँ पे अपना जो टारगेट प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है अभी भी मूव कर रहा है। तो ये हमने 15 मिनट के चार्ट में देखा, अब हम 30 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि 30 मिनट के चार्ट में भी सिमिलरली जो है थोड़ा सा चेंज है, बाकी जो मैंने प्लॉट किए थे पहले से मैंने यहाँ पे बनाए हैं
तो वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 1 आवर के चार्ट में जाएंगे। 1 आवर के चार्ट में भी सिमिलरली वही काम कर रहा है जो मैंने पहले यहाँ पे लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 1 मिनट के चार्ट में भी जाए, वहाँ पे भी क्या होगा, ये वही काम करेगा जो हमने पहले से हमने लगाए है। ठीक है, ओके। तो अभी इसके बाद हम जाएंगे XUUSDT में कि इसमें क्या होता है। इसमें अगर हम देखें तो ये काफी यहाँ पे ये बिल्कुल साइड में जा रहा है। ये देखिए ये अप ट्रेंड जो है कितने दिनों से अप ट्रेंड में है, ये देखिए यहाँ से कितने दिनों से अप ट्रेंड में है। ओके नहीं, 50 मिनट से अप ट्रेंड में है। हम डे का देखते हैं कि डेज में इसका क्या सीन है। ओके हाँ, ये डे में भी अप ट्रेंड में है, 4 दिन से ये अप ट्रेंड में जा रहा है। खैर, तो हम जाएंगे 1 मिनट के चार्ट में। इसके हमने क्या प्लॉट करने थे, इसमें हमने देखने थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो हम चार्ट को पहले ठीक कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे वैसे भी अप ट्रेंड स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है वो हम देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेती हूँ। अब लोग इस तरह करके इसको वो नॉर्मल करें, क्योंकि मैं जब इसको चेंज करती हूँ एक जगह तो दूसरी जगह पता नहीं खुद बहुत ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने ठीक कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें, ठीक है, तो हमें नजर आएगा ये देखेंगे ये अप ट्रेंड। ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ही ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद आप लोग देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पे सेलिंग आया है, सॉरी बाइंग आया है। ठीक है, कितना ज्यादा बाइंग आया है। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि जब भी इस तरह ब्रेकआउट होती है ना, जब नीचे आ जाए, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर जब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस को अपना ऊपर जो सपोर्ट है उसको अपना रेजिस्टेंस बनाए, फिर नीचे आ जाए, तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस होता है कि आपने यहाँ पे जरूर ट्रेड करना है। ठीक है, मतलब ये कि देखिए अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन में समझा दूं आप लोगों को तो बहुत इजी रहेगा। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अच्छा ये इस तरह ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, इस तरह एक ट्रेंड में है, सही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1, 2, 3, 4 इसके रेजिस्टेंस से, नीचे इसके 2 सपोर्ट से, फिर यहाँ पे आके इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, सपोर्ट को ब्रेक किया है ना, जब ये सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, फिर दोबारा अपने जो सपोर्ट है इसको रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, दोबारा उसको रिट्रेस करता है, दोबारा जाके वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, ये जब थोड़ा सा नीचे आके फिर दूसरा सपोर्ट ले ले, तभी इसके बाद ये आएगा बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा। इसी को आप लोगों ने समझना है। ठीक है, आसानी इतना मुश्किल नहीं है, हम आगे भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोगों को इतना पता चल गया है कि हम किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं और हम किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो 3 दफा जब अपना सपोर्ट पकड़ता है, इसके बाद 4th जो होता है या 5th में जब उसका ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे आप अपना ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं। वहां पे ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिवर्स होने के बाद फिर जो उसका डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो सेलिंग में है तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। हम अपना ये जो वीडियो सीरीज है ये इसलिए स्टार्ट की थी कि आप लोग इससे कुछ सीखें। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सीखा है तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।